A very big hello to all the NIT aspirants. I am Dr. Satinder Kaur, your botany faculty. I hope everyone is excited about the ANTS test series. Without wasting time, I am going to start with the solutions of ANTS PT1, the botany part. So all the best. Here we begin with question number 101. The living organisms can be unexceptionally distinguished from the non-living things. अब हमारे पास में टू आंसर दिस दो चीज मन में रखनी है क्या क्या वेदर दिस फीचर इज शोन बाय ऑल द लिविंग बींग्स पहला चीज दूसरा कोई नॉन लिविंग थिंग ये दिखा रहा है कि नहीं ये भी देखना है तो ये दोनों को देख के भी गो फॉर इट लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड ऑप्शन रिप्रोडक्शन आई होप आप सबको पता है देर आर सर्टेन लिविंग बींग्स जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं स्ट्राइल बताया था आपको लिविंग ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं सडन बीज हो सकती हैं ठीक है ना तो हमारे पास में सडन बीज नहीं कौन म्यूल हो सकता है सो वी आर हैविंग सडन ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोडक्शन नहीं करता है सो दैट मीन्स हम नॉन लिविंग से तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते देयरफॉर दिस इज नॉट द ऑप्शन फॉर दिस ग्रोथ एंड मूवमेंट आपको पता है लिविंग बींग्स तो ग्रोथ दिखाते हैं बट सडन नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो शोज यू द ग्रोथ सो दैट इज वाई यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग ऑन दिस बेसिस सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग फिर भी वो क्या दिखाते हैं एक्सट्रिंसिक हम दिखाते हैं इंट्रिंसिक रेस्पॉन्सिवनेस टू टच ऑब्वियसली हमारे पास में नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्सिवनेस टू टच नहीं दिखाते बट देर आर सडन ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो जो रेस्पॉन्सिवनेस टू टच नहीं दिखाते रेस्पॉन्सिवनेस है जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं बट ऑन दिस बेसिस ऑल्सो यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट तो बचा क्या मेरे पास एलिमिनेट करके जाओ इंट्रैक्शन विद द एनवायरमेंट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड क्या आपको पता है इकोलॉजी में इकोसिस्टम में इट्स इंट्रैक्शन बिटवीन द लिविंग एंड द लिविंग एंड द लिविंग एंड द नॉन लिविंग अबायोटिक फैक्टर्स वो है दैट लीड्स टू व्हाट एवोल्यूशन देयरफॉर द आंसर फॉर 101 इज ऑप्शन नंबर ए फाइन लेट्स टॉक अबाउट 102 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद अब हम नॉर्मली क्या सोचते हैं सबसे बेसिक लेवल यूनिट फॉर द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज सेल नो हमारे पास सबसे छोटा जो होता है दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल्स तो वी आर हैविंग मॉलिक्यूल्स बहुत सारा मॉलिक्यूल्स इंट्रैक्ट करके क्या बनाता है हमारे पास में दे मेक व्हाट ऑर्गेनल्स ऑर्गेनल्स इंट्रैक्ट करके क्या बनाता है हमारे पास सेल सेल इंट्रैक्ट करके क्या बनाते हैं टिश्यू एंड सो ऑन व्हेन यू टॉक अबाउट दैट वी आर हैविंग द ऑप्शंस आउट हियर ऑब्वियसली सेल नहीं हुआ ऑर्गेनिज्म नहीं हुआ एटम्स हम स्टार्ट करते नहीं है सो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी व्हिच हैपेंस विद सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल दैट मींस वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल्स आउट हियर द आंसर फॉर 102 हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन फाइन 103. Select the correctly written scientific name of mango. सबसे पहले mango का नाम क्या है? Mangifera indica. फिर हमारे पास में क्या बोलते हैं? ये जब भी लिखना है, we are supposed to write the first name which is known as the generic name in the capital form of it. This is capital. Mangifera is the generic name. You are supposed to write with a capital letter. Fine. Then you are supposed to write the species with a small letter. Indica. अगर मैं handwritten लिखती हूँ, तो I'm supposed to underline that. मैंने इसको underline कर दिया. But अगर मैं इसको कहते font में लिखती हूँ, this is to be written in italics. अब मैं इसको देखती हूँ, तो चारों के चारों मेरे पास italics में लिखा है. तो now मेरे को आगे जाना है. It's again. इसमें सभी तक wrong क्या हुआ? Mangifera is right. Indica out here is right. But यहाँ पे indica मैंने क्या कर दिया? It is in the capital form of its species. तो ये मेरे पास wrong. अभी तक मेरे पास ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं बट आगे वी आर हैविंग थ्री नेम्स फॉर दैट एंड द थर्ड नेम हैपेंस विद अ साइंटिस्ट नेम एंड साइंटिस्ट नेम इज नेवर इन द इटैलिक फॉन्ट इट इज व्हाट नॉर्मल पार्ट ऑफ इट से नॉर्मल लिखना है हमने बट साइंटिस्ट का भी पूरा नाम नहीं लिखना है सो यहाँ पे मैंने साइंटिस्ट का नाम लिखा नहीं सो दैट इज रॉन्ग यहाँ पे मैंने लिखा कार्ल लिनियस हमको पूरा नाम लिखना भी नहीं है कैलस लिनियस लिखना नहीं है सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस इज द राइट ऑप्शन Mangifera indica जेनरिक नेम स्पेसिफिक नेम साइंटिस्ट का नाम इन द नॉर्मल फॉन्ट ऑफ इट नॉट इन द इटैलिक फॉन्ट सो दैट हैपेंस विद द आंसर देयरफॉर द आंसर फॉर 103 हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन Fine with this? चलिए 104. Study the four statements given below. Now, कौन सा correct one से? Select the
two correct ones from them. Definition of biological concept of species was given by Ernst Mayr. कितने लोगों ने इसको ध्यान से देखा है? Starting part of NCERT page number 2. हमारे पास में अर्नस्ट मेयर का फोटो भी बना है, उनके बारे लिखा है, एंड ही गेव द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, सो दिस इज वेरी करेक्ट ऑप्शन. फाइन. सेकेंड इज, फोटो पीरियड डस नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स. आई होप आप सबको पता, वी आर हैविंग अ पूरा टॉपिक, द प्लांट्स में फ्लावरिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द फोटो पीरियड्स. तो लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग, एंड फ्लावरिंग इज अ रिप्रोडक्शन फॉर द प्लांट्स. सो यहाँ पे क्या रॉन्ग हो गया? डस नॉट. सो दिस हैपन्स टू बी रॉन्ग आंसर. Binomial nomenclature system was given by R.S. Whitaker. R.S. Whitaker ने तो ये दिया ही नहीं था, ये किसने दिया था? Linnaeus ने दिया था. So this also happens to be wrong. R.S. Whitaker ने क्या दिया था? He gave the five kingdom classification. Next, in unicellular organism, reproduction is synonym with the growth. Is this correct? Yes, this is correct, because ये मेरे पास unicellular organism है, ये करेगा यहाँ पे divide into two, ये मेरे पास क्या हो गया? ये तो हो गया reproduction, but increase in the number of cells also happens with growth, the twin characteristics of it. So in the unicellular organism, growth and reproduction is same, whereas these are different in case of higher plants and animals. So that means करेक्ट ऑप्शन मेरे पास ए और डी है. व्हेन आई गो फॉर इट, तो आंसर मेरे पास क्या बनता है? द सी ऑप्शन, व्हिच इज ए एंड डी. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. फाइन विद दिस? चलिए. What is true for individual of the same species? दो individual एक species के हैं, वो क्या है? This is related with the biological concept of species. What is biological concept of species? It says that the two organisms are morphologically similar to each other and can freely interbreed. किसने बताया? Ernst Mayr ने बताया. अब देखिए, live in the same niche. Obviously no. What is niche? It is the habitat and the function of an organism. When I say functional status or function of the organism, what do I mean by that? I mean to say that wo kya role play kar raha hai, tropical level, kis tropical level pe hai, is that T1, T2 or so? So that obviously is not the answer. Live in the same habitat nahi hai, live in different habitat nahi hai. Mane reh bhi sakta different mein, reh bhi sakta same mein, but that is not the base for this. To hamare paas answer kya hua? Option number C. The answer for this is option number C. ठीक है? चलो. 106. Which of the following does not belong to the class Basidiomycetes? I hope you understand. Fungi का चार classes हैं. Let's talk about that. Basidiomycetes को कौन belong नहीं करता है? वैसे अगर आपको याद है, मैंने आपको सिखाया था अप्पू. अप्पू मतलब हमारे पास A से हो गया agaricus, P से Pacsinia, U से Ustilego. तो ये भी Basidiomycetes है, ये भी है, ये भी है. अब question का answer क्या? कौन नहीं belong करता है? 2 and 4 does not belong to that. So the option number C, which is 2 and 4, does not belong. So that is the C option. Clear with this? Chale. 107. Assertion: diatomaceous earth is used in polishing, filtration of oil and syrups. Very correct answer. Diatomaceous earth is formed by the diatoms, which happens to be what? Photosynthetic protists out here. So which is correct? Right here. Diatoms are chief producers in ocean, which is also correct. But is this the explanation of that? Obviously, iska explanation nahi hai. Usse iska kuch lena dena hi nahi hai, hai na? So that is totally different part of here. So the option for, which is the better option out here, is B. That means dono ke dono are correct, but this is not the correct explanation of the assertion out here. So answer is option number B. Five kingdom classification, who gave that? Whitaker ya Whitaker, whatever you pronounce it, is not based on. Sabse pehle dekho, reproduction tha, yes. Nutrition tha, yes. Complexity of the body organization tha, unicellular ki multicellular, yes. Presence or absence of the well-defined nucleus, this was never taken into consideration. But yes, cellular organization ko liya tha, but never took what? The nucleus ka portion into consideration. Hum prokaryote, eukaryote bolte hain. What does it mean? Well-defined nucleus nahi hai, organelles nahi hai, wo sab hai. But this feature was not taken into consideration. So therefore, the answer for this question, 108, happens to be the A option. Fine? Chale. Again, reasoning and assertion question. The spores of the slime mold. सबसे पहले slime mold होते क्या है? Protistas है ना?
lack the true wall. Spores के पास wall lacking है, ये wrong है. इसके spore में ही तो wall होता है, somatic stage में इसके wall नहीं होता है. So this is a wrong option. Lack आ गया, which is wrong. Spores are dispersed by the air current, which is correct. ये इसको कर रहा है. If the assertion is false, but the reason is true, that means this is the answer for it. वो false हो गया, lack हो गया, ये wrong हो गया. This is correct. Therefore, the answer for the question happens to be the D option. फिर से बोल रही हूँ, somatic cells में wall नहीं है, but when it forms the spore, the cell wall is seen. ठीक है ना? चले. In eubacteria, a cellular component that resembles the eukaryotic cell is. ऐसा क्या है eubacteria में? What is a eubacteria? A eubacteria basically happens to be a prokaryote. So it happens to be a prokaryote, a primitive organism. Resembles a eukaryote. किस चीज में? When I talk about the nucleus, pro मतलब ही primitive nucleus है, वहां पे well defined nucleus. This cannot be the same. Ribosomes, yes, उसमें भी ribosome होते हैं, इसमें भी, but this is having 70S ribosome and this is having 80S ribosome. Eukaryotes के पास में 80S होता है. Cell wall, दोनों में cell wall है, not all the eukaryotes are having the cell wall, but अगर cell wall भी है, तो nature of that is different. तो बचा क्या मेरे पास में? Plasma membrane, which is same in all the living organism. What is that made up of? Lipids and proteins, may be a prokaryote, may be a eukaryote, may be a plant, may be an animal, सबके and the plasma membrane is similar. So therefore the answer for 110 happens to be the A option. Fine. 111. A membrane bound organelle are absent in. The membrane bound organelles are absent in. हम सबको पता है किसमें absent होता है? Prokaryotes में. तो prokaryote, what is Saccharomyces? Fungi. And fungi is a eukaryote. Chlamydomonas, it's an algae. It is what? A eukaryote. Plasmodium, it's a protozoan, it's a eukaryote. तो बचा क्या? Streptococcus, what is this? A bacteria. So what is this? A prokaryote. So therefore, the answer for the question 111 happens to be the B option. क्या है यहाँ पे? The B option. Organism 112. The organism which obtain energy by the oxidation of inorganic compounds are called as photoautotrophs. Autotrophs means जो खाना बनाते हैं और light लेके खाना बनाते हैं, तो energy source is light. This is the word used for the plants, the green plants जो खाना बनाते हैं, photoautotrophs. Heterotrophs means जो खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है, खाना ही नहीं बनाते हैं, तो वो भी हमारे पास heterotrophs. Saprozoic means which are dependent upon dead and decaying organisms. But go for the word chemoautotrophs. Autotrophs तो हैं, खाना तो बना रहे हैं, but कहाँ से energy लेते हैं? The energy is obtained by या obtained from what? The chemical reactions. कौन सा chemical reaction? जहां पे हमारे पास oxidation होता है किसका? Inorganic compounds. आपको सिखाया था ammonia का oxidation करके हम क्या बनाते हैं? Nitrite. वो nitrite के साथ में energy मिलती है. वो organism जो है chemoautotrophs होते हैं, उस energy से खाना बनाते हैं. In the similar manner, nitrite का oxidation करोगे तो क्या बनता है? Nitrates. फिर वहां पे energy मिलती है. मैंने oxidation किया यहां पर नाइट्रेट का और मेरे पास नाइट्रेट्स मिल नाइट्राइड का क्या नाइट्रेट्स मिल गया एंड आई एम गोइंग टू हैव एनर्जी ऑब्टेन. सो व्हाट आर दीज ऑर्गेनिजम्स नोन एज Nitrosomonas, Nitrococcus, ये सब क्या है? Chemoautotrophs. So the answer for that happens to be chemoautotrophs, energy liya by the oxidation of inorganic compounds. कौन सा ये inorganic compounds? Ammonia, nitrites, nitrates. Fine. The answer happens to be the B option. 113. Which of the following organisms are known as chief producer in the ocean? Chief producer in the ocean मतलब जो हमारे पास marine है. The answer for that happens to be the diatoms. अगर आपको याद है diatomaceous earth बनाता है, वो automatically कौन है हमारे पास में? Diatoms है. ये यहाँ से कोई भी chief producer नहीं है. Fine. The answer for 113 happens to be the B option. Clear? 114. Ciliates differ from all the other protozoans. I hope आपको पता है protozoans को चार में divide किया. Amoeboid, ciliates, flagellates and sporozoans. अब देखते हैं. We are talking about ciliates. अब हमारे पास ciliate में कौन है? Paramecium. ठीक है ना? So let's talk about that. Is paramecium using flagella for locomotion? Obviously no. नाम ही इसका क्या है? Ciliates है. It causes diseases like sleeping sickness. No. ये भी कौन कर रहा है? हमारे पास में कौन कर रहा है? Flagellates.
Uses pseudopodia for capturing the prey? No. Kaun karta? Amoeboids. Having two types of nuclei, obviously paramecium ke paas mein do type ka nuclei hota hai, bada and chota, macro and micro. So the answer for 114 happens to be the C option. 115. In which group of organism the cell wall forms two thin overlapping shells which fit together? I hope aapko yaad hai, ye hamare paas ek shell hai, ye hamare paas ek shell hai, ye dono thin shells hai, overlap kar raha hai, niche wale ko hum bolte hai hypotheca, upar wale ko hum log bolte hai epitheca, theek hai na? ये दोनों ओवरलैप कर रहा है, रिजेंबल क्या करता है, दे रिजेंबल अ सोप बॉक्स, एंड यहाँ पे न्यूक्लियस होता है हमारे पास, एंड व्हाट इज दिस सीन और वेयर इज दिस सीन इन, इट इज सीन इन केस ऑफ द डायटम्स. अब डायटम्स में दिखाई देता है, बट इनमें से डायटम्स किसको बिलोंग करते हैं, आर दे डिनोफ्लेजेट्स, नो, आर दे स्लाइमोल्ड्स, नो, व्हाट आर दीज नोन एज क्राइसोफाइट्स. तो क्राइसोफाइट्स में डायटम को छोड़ के और क्या एग्जांपल है, डेस्मिड्स. देयरफॉर द आंसर फॉर 115 हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. फाइन, चलिए 116. Which of the following statements is correct? Organisms that depend on living plants are called as saprophytes. No. What are these known as? These are known as parasites. जो भी living के ऊपर belong करता है, that may be plants or anything, living पे ऊपर होने को उसको बोलते हैं parasites. Some of the organism can fix atmospheric nitrogen, which is correct. In the specialized cells, which is correct. Called as sheet cells, यहाँ पे wrong है. These cells are normally known as what? Heterocyst. Especially in case of what? Cyanobacteria. ठीक है ना? बाकी भी cells होते हैं हमारे पास, पर वो rhizobium बनाता है, वो क्या बनाता है? Nodules. Fusion of the two cells is known as karyogamy. The fusion of the two cells is known as syngamy. What is the karyogamy then? Karyogamy happens to be the fusion of the two nuclei. So, ye bhi wrong ho gaya. Fusion of the protoplasms between the two motile on the non-motile gametes is known as plasmogamy. Yes, protoplasm ke fusion ko plasmogamy bolte, which is correct. Therefore, the answer for 116 happens to be the D option. Fine? Chale. Let's talk about 117. After karyogamy, followed by meiosis, the spores are produced exogenously in. अब देख लीजिए हमने क्या पढ़ा है, हमारे पास में क्या होता है, फ्यूजन हो गया, फ्यूजन के बाद हमारे पास क्या बन गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट बनेगा तो हमारे पास मियोसिस होता है, दिस इज व्हाट मियोसिस है, तो व्हाट इज दिस, जाइगोटिक मियोसिस. अब जाइगोटिक मियोसिस हो गया, व्हाट डज इट रिजल्ट इनटू, पर पहली बात, जब भी जाइगोटिक मियोसिस हुआ है, आई होप आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो स्पोर्स बना है मेरे पास, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, सेक्सुअल स्पोर्स आउट हियर आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली इन. एक्सोजेनस मतलब बाहर. अब सबसे पहले हमारे पास एक्सोजेनस स्पोर्स जो है, सेक्सुअल स्पोर्स दो टाइप का पढ़ा है, एस्कोस्पोर्स एंड हमने पढ़ा है बेसिडियोस्पोर्स. जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर रहा है स्पोर से, सेक्सुअल स्पोर से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द माइक्रो एंड द मेगा स्पोर. आई होप यू अंडरस्टैंड, हमारे हायर प्लांट्स में जाइगोटिक मियोसिस नहीं होता है. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद व्हाट, इट्स रिलेटेड विद द फंजाई. ऑप्शन को देख के भी समझ में आ रहा है आपको. सो दिस इज फंजाई जहां पे एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स है. ये एस्कोस्पोर्स जो होते हैं ये एंडोस्पोर्स है, और ये क्या है, एक्सोस्पोर्स. तो एक्सोजेनसली जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बेसिडियोस्पोर्स है. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. Neurospora, what is this? Ascomycetes. Alternaria, what is this? Deuteromycetes. Saccharomyces, what is this? Ascomycetes. Agaricus, what is this? Basidiomycetes. तो जब ये basidiomycetes है, basidiomycetes में ही exogenously produce होता है. Therefore, the answer for 117 happens to be the D option. I hope it is clear to everybody. No confusion out here. 118. Find the wrong statement. इसको focus करना wrong को. Morels and truffles are poisonous mushroom. ये दोनों तो हमारे पास क्या है? Edible mushrooms. So मेरे पास तो बिना पढ़े ही पहले मेरे पास answer आ गया. The answer for the question happens with the A option. Let's still go for the other option. Yeast is unicellular, fine. Useful in fermentation, alcohol बनाने के काम आता है. Ethanol, fine. Penicillium is multicellular, obviously multicellular है. And produces antibiotics. हमारे पास fungi में loosely placed cells होते, except for the yeast. बाकी सब हमारे syllabus वाले क्या है? सब के सब multicellular हैं. Neurospora
Drosophora is used in biochemical and genetical work, which is correct, जिसको हम लोग Drosophila of the plant kingdom भी बोलते हैं. But the answer for question number 118 happens to be the A option. 119, mass the following. देखो इसको, mucor. What is this? It is said to be phycomycetes. ठीक है ना? Sexual reproduction is present. Yes, it undergoes sexual reproduction. It is belonging to Ascomycetes, which is wrong. मैंने पहले बोल दिया ये phycomycetes होना चाहिए. So this option happens to be wrong. Agaricus. ठीक है, अगैरिकस जो है पैरासाइटिक फंजाई. अगैरिकस क्या है? मशरूम. अब मशरूम तो किसी के ऊपर नहीं ग्रो करता है, सॉइल में ग्रो करता है. सो ऑब्वियसली इट कैन नेवर बी व्हाट? पैरासाइटिक. इट्स रॉन्ग. बेस्ट्रियोमाइसिटिस है, विच इज करेक्ट. तो ये मेरे पास रॉन्ग हो गया. यहाँ पे मेरे पास ये रॉन्ग है. दैट अगेन कैन नॉट बी द आंसर फॉर इट. राइजोपस. What is this? That happens to be a phycomycetes again. हमारे पास में mucor, rhizopus तो दोनों भाई बहन जैसा ही है. What is this? Phycomycetes. Accepted mycelium. This is correct. This is wrong. Coming to alternaria. Sexual reproduction is absent and that is deuteromycetes. हम सबको पता है deuteromycetes को imperfecti बोलते हैं. Why is this known as imperfecti fungi? Because it does not undergo sexual reproduction. So therefore the answer for 119 happens to be the D option. Clear? Chaliye. 120. The imperfecti fungi. अब बिना पढ़े ही आपको imperfecti भी word सिखाया मैंने. What is a deuteromycetes? So let's go for it. Obviously these are what? Decomposers and help in mineral cycling. हमको पता है bacteria and fungi normally help in mineral cycling. These are known as decomposers. But इसने क्या clear कर दिया? Imperfecti. So हमने ढूंढना कौन सा deuteromycetes को belong करता है. Obviously answer दे ही दिया. What is this? Deuteromycetes. Answer for that happens to be option number C. 120. 121. Which of the following is correct about the viroids? Viroids are part of virus, not a total component, but part of it. Subviral particles ya agents bhi bolte hain. They have free RNA without the protein coat, which is correct. Hum sabko pata hai, jo virus hota hai, virus ke andar ek bahar ki covering hai, what is that known as protein, and andar ka jo portion hai, what is that known as the genetic material. To viroids ke andar mein hamare paas mein protein nahi hai. जेनेटिक मटेरियल है, तो दैट मींस सबसे पहले विदाउट द प्रोटीन कोट हमारे पास ये विद द प्रोटीन कोट, इसको रॉन्ग करो. विद द प्रोटीन कोट इसको रॉन्ग करो. अब मेरे पास बच गया विदाउट द प्रोटीन कोट. ये दोनों करेक्ट हैं, बट इसमें आरएनए है कि डीएनए है? That happens to be the RNA without the protein coat. इससे हमको ये भी समझ में आता है, normally ये plant viruses होते हैं और हमारे पास disease cause करते हैं plants के अंदर. PSTD, potato spindle tuber disease. So that is what the answer for this question happens to be the A option. 122. Which of the following statement is incorrect? फिर से हमने focus करना है incorrect. Viroids lack a protein coat. अभी सिखा दिया विट lacks a protein coat. You may find the question quite correlated because topic ही दो छोटे छोटे topic है, इतने questions नहीं है. So quite similar question, so that आपका revision होता जाए. Viruses are obligate parasites. Obviously these are obligate parasite. This is correct. ठीक है ना? Infective constituent in viruses is the protein coat. नहीं, in case of viruses हमारे पास virus जो है protein coat अकेला नहीं है. As such the virus is what? Obligate parasite. अगर मैं protein coat बोलती तो हमारे पास क्या होता? Prions में कौन है? That's the protein coat. So in यहाँ पे instead of viruses prions लिखती तो मेरा answer correct होता. अभी पूछा incorrect, so this is incorrect. Go for the D option. Prion consists of abnormally folded protein. Yes, that is why that becomes what? Infectious, cause a disease out here. Okay? Chaliye. The answer for this question happens to be the C option. 123. Which of the following shows coiled RNA strand and the capsomeres? अगर आपको याद है हमारी NCERT में दो डायग्राम बने वायरसेस का, एक बना हमारे पास TMV का, which shows you the capsomeres out here are, या RNA out here is coiled and हमारे पास capsomere भी ऐसा ही है, और जबकि हमारे पास में bacteriophage का आपके पास tadpole-like structure बना है, so this cannot be a bacteriophage, it cannot be the others because इसका diagram clear है, what is that?
TMV. What is TMV? Tobacco mosaic virus. So directly I can go for the answer, which is B option. But mind you, baki sab may be polio, may measles, may retroviruses, may be sab jaga hamare pas RNA is a genetic material. Kal by chance match the following aata hai. In charo ke paas mein kya hai hamare paas mein? RNA is the genetic material. Fine. The causative or agent of mad cow disease. सबसे पहले mad cow disease कौन cause करता prion? वो तो हमारे पास answer है. But what is the other term used for that? BSE. What is that? Bovine spongiform encephalopathy. Bovine का मतलब ही क्या? Kettles. तो mad cow disease है हमारे पास. Encephalopathy पता रहा है. Spongiform मतलब थोड़ा सा spongy like structure बन गया. तो that is what caused by what? The prions and all the diseases caused by that is central nervous system का disease. So they may change the options. उसके हिसाब से I hope you can go for it. 125. Viruses are no more alive than isolated chromosome because this basically is telling you that viruses or chromosome ek jaisa hai. Agar ek virus bahar mein hai to wo alive nahi mana jata. आप सबको पता है कोरोना में हमको क्या बोला गया था, बाहर नहीं निकलना, कांटेक्ट में नहीं आना. सो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे कांटेक्ट में वो आया ही नहीं वायरस, तो क्या है? नो लिविंग ना, नॉट लिविंग आउट हियर. क्यों? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? उसको एक होस्ट चाहिए. दे रिक्वायर बोथ डीएनए एंड आरएनए. Obviously no, because हमारे पास viruses are having genetic material which is either DNA or RNA. They both need food and food molecules. Obviously no. क्यों? क्रोमोसोम को कहाँ फूड मॉलिक्यूल्स चाहिए? बोथ रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. नो, ये जब बाहर में है तो इसको रेस्पिरेशन करता ही नहीं है. बोथ रिक्वायर द एनवायरमेंट ऑफ अ सेल टू रेप्लिकेट. अ क्रोमोसोम के अंदर स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है? सेल. तो एक क्रोमोसोम को सेल नहीं मिलेगा तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखाता है. नीदर अ वायरस जो बाहर में रह रहा है वो लिविंग नहीं है. जैसे उसको होस्ट मिलता है तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट. पक्का वाला पैरासाइट होस्ट चाहिए ही उसको. जैसे इसको क्या चाहिए? सेल चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए. उसको क्या चाहिए? एक होस्ट चाहिए. फाइन. द आंसर फॉर 125 हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. 126. Following statement is correct. इसको focus करो. Lichens are not good pollution indicator. Book में लिखा है good pollution indicators, ये नहीं लिखा है. तो ये wrong हो गया. Lichens do not grow in polluted areas. Obviously this is right because हमने बोल दिया इसका उल्टा है ये. Algal component of the lichens is called mycobiont. Obviously mycology is the fungal study. So what is this known as? It is known as phycobiont. ठीक है ना? Bio means living. Fungal component of the lichens is known as phycobiont. No, what is this known as? Mycobiont. Samajh mein aaya? So that means the answer for the question 126 happens to be the B option. Fine. Chale. 127. Lichens again are well known combination of algae, phycobiont and the fungus, where the fungus has. Dekh lijiye kya hai wo? A saprophytic relationship with the algae? No. Ye dono are mutually benefited from each other. That cannot be a saprophyte out here. वैसे फंजाइस आर व्हाट? डिकम्पोजर्स है, सेप्रोफाइट्स है, मेनी ऑफ देम. बट यहाँ पे वो उसके साथ सेप्रोफाइटिक नहीं है. इट्स एन एपिफाइटिक रिलेशनशिप. व्हाट इज एपिफाइट? एपी मतलब ऊपर, फाइट मतलब आधे प्लांट्स के ऊपर में. दिस इज अगेन रॉन्ग. नॉर्मली ऑर्किड्स हमारे पास क्या होता है? एपिफाइट्स. A parasitic relationship with algae, obviously this is again wrong. It's not a parasitic. What is this? A symbiotic relationship, mutual relationship. Both of these are benefited from each other. Agar main yahan pe fungus ke where fungus has ke badle algae has to bhi mere paas answer symbiotic hi hota. The answer for the question number 127 happens to be the D option. Scientific study of diversity of organisms and their evolutionary relationship is called as what? It's known as systematics. Option number D is the answer. Let's go for the words. Morphology is the external study. Anatomy is the internal study. Taxonomy is identification, classification, nomenclature. Technically, systematics is taxonomy plus the evolutionary relationships is known as systematics. So, yahan pe evolutionary relationship to hai. Scientific study of diversity, which is taxonomy. So, this happens with two words, taxonomy plus the evolutionary relationships. The answer for 128 happens to be the D option.
129 टैक्सन इज द यूनिट ऑफ टैक्सन टैक्सोनॉमी का जो है कैटेगरीज जो हमारे पास यूनिट है व्हाट इज दैट नोन एज टैक्सन नॉर्मली द टैक्सन्स अदर उसमें हम उसको कैटेगरी बोल सकते हैं रैंक बोल सकते हैं लेवल बोल सकते हैं तो एनी रैंक और द लेवल और लेवल ऑफ द टैक्सोनॉमी इज नोन एज व्हाट Taxon. So this is the answer. And what about this? Species, genus, order. These are the different taxons out here. But what is a taxon? Is the unit of what? Taxonomy. ये खुद taxons हैं. Okay? समझ में आ गया? Let's go for the next question. उससे पहले 129 का option क्या है? Answer क्या? D option. 130. Which of the following is the correct scientific name of wheat derived by the binomial nomenclature? अब यहाँ पे कैसा लिखा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है वीट का नाम क्या है अगर आपने वो टेबल देखा है आउट हियर तो हमारे पास वीट का नाम ट्राइटिकम बताया गया है एंड जो नॉर्मल वीट है साइंटिफिक नेम ऑफ द वीट ड्राइव्ड आउट हियर व्हाट इज दिस नोन एज ट्राइटिकम एस्टिवम Fine, this is also there, but the normal wheat which is there is Triticum aestivum. Starts with the capital letters and the species starts with a small letter. And C jo hai, Oryza sativa, kiska naam hai? Rice ka. Next paper mein rice dungi. And then Zia maize is the botanical name for maize. So, yahan pe hamare paas mein, kya hai iska answer? Option number B. 131, assertion. Consciousness is considered as divining property of living organisms, correct? Reason, all organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to the environmental stimuli. देखो, उसको बोला है, वो ही उसको explain कर रहा है, ये भी correct है, ये भी correct है, ये इसका explanation है. अब confusion नहीं करना, this is very clear out here, this is explaining out here, can we, वो responsiveness क्या, responding कर रहा है ना, environmental stimuli, fine out here. The answer for this happens to be the option number A. Fine. 132. In five kingdom classification, single-celled eukaryotes are. You must have seen kai question bahut easy hai, so that everybody can do that. But upper wala rank lane ke liye, full marks lane ke liye, waise question bhi hai out here. The answer for this 132, five kingdom classification, but single-celled eukaryote. What is this? Fungi. It's a eukaryote, fine, but it is not single-celled. So this is not the answer. Monera. It is what single celled hai, but this is what? It is not a eukaryote, so it's a prokaryote. This is not the answer. Archaea again happens to be what? Single celled, but it's not a eukaryote, it's a prokaryote. Therefore, the answer for the question happens to be the B option. So, 132 ka answer kya hai? The B option. Fine? 133. Mode of nutrition in euglenoids. Euglenoids sabse pehle hai kya? These are what? Protistas. Ab euglenoid ki specialty kya hai? Euglenoid kya karta hai? In presence of sunlight. Jab sunlight milti hai, to ye hamare plants ke jaise behave karna shuru kar deta hai. That means kya karta hai? Photosynthesis. Undergoes photosynthesis. Photosynthesis means khana banata hai. But in absence of sunlight, to kya karta hai? Khana nahi bana sakta. Acts as a heterotroph. That means wo heterotroph bhi hai. Khana nahi bana sakta hai. To ab hamare paas kya ho gaya? That means khana banata hai, nahi bhi banata hai. To autotrophic to wrong. Heterotrophic be wrong, symbiotic be wrong, so mixotrophic, wo bhi kar raha hai, ye bhi kar raha hai, dono hai, so what is this known as mixotrophic, so euglenoids are what mixotrophic in nature. The answer for 133 happens to be the D option. 134, characteristic feature of the euglenoids are, chala aage dekh lete hain, presence of cell wall, Does it have a cell wall? No. Iske paas kya hota? Pellicle, proteinaceous covering. So this is wrong. Presence of two flagella, very correct. Different size flagella puchte hain. Hamare paas different size flagella kis mein hai? To wo hamare paas euglenoid mein hai. Agar aapne diagram dekha achche se, ek chota sa, ek bada sa flagella bana hua hai. Photosynthesis in presence of sunlight, which is correct. Presence of pellicle, which is correct. The only part which is wrong out here is 134 ka A option. So that is wrong. So let's go for it. The right is B, C, D only. Yes, the answer for 134 happens to be the C option. B, C, D are correct. Euglena have flexible body because of. Abhi bata diya, normally cell wall kya hota hai? Hard. Hai na? Non-living, rigid. तो हमारे पास अगर सेल वॉल नहीं है
तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल है. सो दैट इज व्हाई युग्लिना के पास में सेल वॉल इज एब्सेंट. उसका सब्सिट क्या है, पेलिकल. सो प्रेज ऑफ पेलिकल मेक्स इट व्हाट, फ्लेक्सिबल. प्रेज ऑफ टू फ्लैजेला राइट है, पर उसे फ्लेक्सिबिलिटी कुछ नहीं बताती है. सो दिस इज नॉट द आंसर. इट्स अ प्रोटिस्टा विच इज करेक्ट. उससे कोई फ्लेक्सिबिलिटी से नहीं लेना देना है. आपके पास डायटम्स है, आर दे, दीज आर द प्रोटिस्टास, बट आर दे फ्लेक्सिबल? नो. So this is again not related with the answer. Can photosynthesize? Again, gonioloks जो है, dinoflagellates है, desmids है, diatoms है, वो सब भी तो photosynthesis कर सकते हैं. Are they having flexible body? No. So flexible body किसके लिए है? Because of the presence of pellicle. The answer for that happens to be the A option. ये reasoning assertion का भी question बनता है. Fine. Red tide is because of, रेड टाइड किस में पड़ा हमने, डिनोफ्लेजलेट्स में. और डिनोफ्लेजलेट्स डेस्मिड्स तो नहीं है. डेस्मिड्स कौन है, क्राइसोफाइट्स. डायटम्स कौन है, क्राइसोफाइट्स. रेड एल्गी भी रेड टाइड नहीं कॉज करता है. तो बचा मेरे पास कौन, गोनियोलॉक्स विच हैपन्स टू बी अ डिनोफ्लेजलेट. इट्स नोन टू कॉज रेड टाइड आउट हियर. फाइन, द आंसर फॉर 136 हैपन्स टू बी द बी ऑप्शन. 137 नॉट ट्रू. इन सब पे फोकस करना आपने. नॉट ट्रू फॉर डिनोफ्लेजलेट्स. स्लो मल्टीप्लीकेशन कॉसेस रेड टाइड. अभी मैंने आपको बोला था रेड टाइड कॉज करता है. कौन कॉज करता है, गोनियोलॉक्स. दैट हैपन्स विद मेंबर ऑफ डिनोफ्लेजलेट्स. बट यहाँ पे गलती क्या होगी, स्लो मल्टीप्लीकेशन, फास्ट मल्टीप्लीकेशन, रैपिड मल्टीप्लीकेशन कॉसेस व्हाट द रेड टाइड. बाकी भी देख लेते हैं. रिलीजेस टॉक्सिन, यस इट रिलीजेस टॉक्सिन. आपको सिखाया था सेक्सी टॉक्सिन रिलीज करता है. प्रेज ऑफ स्टिफ सेलोसिक प्लेट्स इन द सेल वॉल, विच इज अगेन करेक्ट. प्रेज ऑफ टू फ्लैजेला, that is also correct. But the answer for this question happens to be the option number A. 138. According to two kingdom classification, सबसे पहले दिया किसने, Linnaeus ने. Following are included in plants. Linnaeus ने से plants animals बनाया. उसने क्या देखा वहां पे, cell wall है कि नहीं. तो what was the base for this? The cell wall presence. अब देखते किस किस में cell wall है. Linnaeus ने उन सबको एक साथ रख दिया. Bacteria is having a cell wall, right? Blue green algae is having a cell wall. BGA, blue green algae. Mosses are having the cell wall, right? Ferns are having the cell wall, right? Gymnosperms are having the cell wall, right? Angiosperms are having the cell wall. That means Linnaeus ne sabke sabko kahan rakh diya, in the plant of the two kingdom classification. Therefore the answer for this question happens to be the D option. 138 answer is the D option. What is common to bacteria, moss and fungi? अब नया question है. Bacteria में भी हो, moss में भी हो, fungi में भी. Let's talk about that. Mode of nutrition. Bacterias are mainly heterotrophs. But ये photosynthesize भी करते हैं. वो भी कौन कौन सा photosynthesis? Chemoautotrophs भी है, photoautotrophs. तो ये तो अलग से हो गया. Mosses are purely what? Autotrophs. इसके अंदर heterotrophs है ही नहीं. अब इसके अंदर क्या है मेरे पास, ये chemoautotrophs नहीं है. This is what? Totally heterotrophs. तो इसके अंदर भी autotrophs नहीं है. So that means nutrition तो एक जैसा नहीं है. So this is not true. Autotrophic अभी बता दिया, autotroph भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास fungi बिल्कुल autotrophic नहीं है. Bacterias भी mainly heterotrophic होते हैं. So ये भी wrong है. Body organization is also wrong, because ये unicellular है, ये मेरे पास में loosely placed cells है, यहाँ पे multicellular है. This is also wrong. But the common feature among the three is the presence of cell wall. That may be of different nature, but it is the cell wall that makes it similar to each other. So therefore, the answer for the question happens to be the B option. 140. Motile bacteria possess. ये मैंने आपको सिखाया था. हम नॉर्मली बोलते हैं मूवमेंट बाय द सिलिया एंड फ्लैजेला. नो बैक्टीरिया इज हैविंग सिलिया. बैक्टीरिया मूव्स बाय द फ्लैजेला. सिखाया था आपको. तो ऑटोमेटिकली द आंसर फॉर दैट हैपेंस विद द फ्लैजेला. बैक्टीरिया नेवर मूव बाय द सिलिया. देयरफॉर ए एंड बी भी आंसर नहीं हो सकता. द आंसर इज द फ्लैजेला, ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 140. Most bacterias are, अभी मैंने आपको सिखाया था सबसे diverse metabolism किस में होता है, bacterias में. Bacterias are mainly heterotrophic. They are autotrophs too. Autotrophs हैं तो वो autotrophs में chemoautotrophs हैं, photoautotrophs हैं, बट बहुत सारे नहीं. Heterotrophs में भी parasites हैं, saprophytes हैं. But let's talk about the answer now. Photoautotrophs most पूछा है, only few are this. तो most में wrong. Chemoautotrophs है, most नहीं है, few है. Symbionts है,
वेरी फ्यू है, तो मोस्ट ऑफ दिस इज व्हाट हेटरोटॉप्स. सी, एक एक छोटा छोटे वर्ड से क्वेश्चन बनाया है सो दैट यू शुड बी क्लियर विद द कंसेप्ट आउट हियर. देयरफॉर द आंसर फॉर 141 हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. Asexual reproduction in fungus occurs by the spores known as asexual reproduction. Sexual spores के बारे बता दिया था, ascospores, basidiospores होते हैं, even हमारे पास oospores होते हैं, but यहाँ पे I'm talking about asexual spores. Conidia are the male fungal spores which are born exogenously in the basipetal order. ठीक है ना. फिर आया zoospores. What are these? The motile spores. ये non-motile spores होते हैं. Aplano, plano मतलब motile और aplano मतलब non-motile spores. ठीक है. So that means, और ये भी होते हैं हमारे पास zoospores और aplano spores से, में किसमें होता है हमारे पास में, it is normally seen in case of the phycomycetes. अगर मैं बोलती हूँ conidiospores, it is seen in case of ascomycetes and हमारे पास में deuteromycetes. तो दैट मींस हमारे पास में फाइकोमाइसिटिस में भी हो गया, हमारे पास में एस्को में भी हो गया, डिटोरो में भी हो गया. तो फिर बेस्टियोमाइसिटिस में क्या है? दे नॉर्मली डू नॉट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय द स्पोर्स. सो द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी. 143. किंगडम फंजाई इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी. कैसी है ऑफ द माइसिलियम, असेप्टेट है कि सेप्टेट है, ब्रांच्ड है कि नहीं, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कौन से स्पोर्स बनाता है हमने देखना है, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज है कि नहीं, फ्रूटिंग बॉडीज जिसके अंदर जैसे एस्को स्पोर्स है, एस्को कार्प में प्रेजेंट होता है, बेसियो स्पोर्स है, बेसियो कार्प में होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में ड्यूटेरोमाइसिस में फ्रूटिंग बॉडी नहीं है. द आंसर फॉर 143 हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. क्या है इसका? सो दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट. द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 142, 3 का डी ऑप्शन. 144. The families are characterized on the basis of. अगर आपने families को पढ़ा है, आप देखो पहले vegetative characteristics लिखा है, फिर reproductive characteristics लिखा है. What are reproductive characteristics? Also known as floral characters. Flower is the reproductive part of the plant. और वैसे भी living world में तो लिखा ही है, families are characterized on the basis of what? Both the vegetative and the reproductive characteristics. Therefore, the answer for that happens to be option number C. 145. Match the following questions है. देखो इसको. Sporozoans. These are what? Protozoans. जिसके अंदर certain stages में spore बनता है, जो infectious है, disease causing है. And वो कौन है हमारे पास में? Malaria. Plasmodium है. क्या कॉज करता है? मलेरिया. सो वन के साथ वी मैच एज थ्री. फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स. फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन को कौन है? ट्राइपेंजोमा इज द आंसर फॉर दैट, विच इज नोन टू कॉज व्हाट? स्लीपिंग सिकनेस. क्राइसोफाइट्स आर व्हाट? डायटम्स एंड डिस्मिड्स. सो दैट मीन्स सी के साथ हम वन को करेंगे. तो ए के साथ थ्री, टू के साथ हमारे पास में आ गया टू, एंड थ्री के साथ हमारे पास में आ गया वन. सो लेट्स गो फॉर द आंसर. वन, थ्री, टू, टू, थ्री, वन. द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. 146. लेट्स रीड द ऑप्शंस आउट हियर. क्या पूछा है? विच इज इनकरेक्ट, और किसके बारे इनकरेक्ट है? एस्कोमाइसिटस. कोनिडिया आर द असेक्सुअल स्पोर्स, राइट. प्रोड्यूस्ड, फाइन. Endogenously, यहां पे धोखा दे गया हमको. What is this? These are born exogenously. Exogenous, outside the structure. So this is the wrong answer. The answer should be this. On the conidiophore, what's the conidiophore? The stalk. तो normally हमारे पास ऐसा stalk होता है. हमारे पास इसके ऊपर में हमारे पास में क्या होता है? Conidiospores born होते हैं. ये ऐसे है. यहाँ पे conidiospores born होते हैं. That is exogenously. Fine. So ये wrong है. Ascospores है. What are these ascospores? The sexual spores. Are the sexual spores correct है? Produce endogenously in the SI. राइट है. जो हमारे पास एस्कोस्पोर्स है वो एंडोजिनसली है. अगर मैं बेसियोस्पोर्स की बात करती, दोस आर एक्सोजिनसली. सो दिस इज करेक्ट आंसर. एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स आर एस्कोमाइसिटिस फंजाई, विच इज करेक्ट. ये तीनों के तीनों एस्कोमाइसिटिस को बिलोंग करते हैं. माइसिलियम इज जनरली ब्रांच एंड सेप्टेट, विच इज करेक्ट. ब्रांच एंड सेप्टेट हमारे पास एस्कोमाइसिटिस, बेसियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस तीनों में होता है. सो देयरफॉर द आंसर फॉर 146 हैपेंस to be the A option.
Fine? 147. Which of following are neither prokaryotes nor eukaryotes? वायरस. हम सबको आज तक पता ही नहीं लगा. दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, दिस इज एन एनिग्मा. तो ये प्रोकैरियोट भी नहीं है, यूकैरियोट भी नहीं है. तभी व्हाइटेकर ने डिड नॉट कीप वायरस इन एनी ऑफ द किंगडम. सो ये तो हमारे पास नीदर ऑफ दिस. बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट, साइनोबैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट, ईस्ट इज अ यूकैरियोट. देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन. द आंसर फॉर 147 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन. फाइन. 148. Sexual recombinations in bacteria take place by. थोड़ा इजी कर दिया. रिकॉम्बिनेशन मतलब आपको पता ही, क्रॉसिंग ओवर होना, मिक्सिंग करना, ठीक है ना. फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवा. कभी भी बैक्टीरिया के पास स्पर्म एंड द ओवा है ही नहीं. ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स का कुछ लेना देना ही नहीं है, ये दोनों नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग, सो इज दिस रॉन्ग. ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर. यस, दिस इज इट. व्हेन दे अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन मींस न्यू कॉम्बिनेशन बनाना, बेबी बनाना, एंड दैट इज बाय व्हाट? ट्रांसफर द डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू द अदर. द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. 149. Monera, Protista, Fungi, Plantian, Animalia are grouped in five kingdom. Who gave that five kingdom classification? Whitaker. Select the criteria from the following based on which this five kingdom system is formed. Did he take mode of nutrition into consideration? Yes. Ye to iska main criteria tha. Fir did he take reproduction? Yes. Reproduction bhi liya. Did he take growth? No, he never took growth. Did he take structure of the cell? Yes, he took the structure of the cell into consideration. Ki prokaryote hai ki eukaryote hai. Evolutionary relationship? Yes, he took evolutionary relationship into consideration. Did he take presence and the absence of the cell wall into consideration? No, he did not take that. Did he take biological organization into consideration? Yes, he took body organization into consideration. Yes, unicellular ki multicellular. So isne kaun kaun sa liya? 1, 2, 3, 4, 5. So how many features were taken into consideration? This is 5 of it. The answer for 145 happens to be the option number C, that is 5. Here we come to the last question. Examples of insectivorous plants are bladderwort. What is this also known as? Utricularia. You may get this utricularia, you may get the bladderwort, which is right. Cuscuta happens to be a parasite. So this is not an insectivorous plant. Venus flytrap happens to be an insectivorous plant. Or hamare paas kaun ho sakta hai? The picture plant. But wo option mein nahi hai. Therefore, A bhi right hai, C bhi right hai. So the answer for this is both A and C. That is answer number D. Here, we have finished with the solutions of the ANTS paper number 1. I hope आप सबको अपनी गलतियां समझ में आ गया है, पर उससे भी ज्यादा आई होप मेनी 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 ऑफ यू हैव गॉट 180 आउट ऑफ 180. होपिंग द बेस्ट फ्रॉम यू ऑल. ऑल द बेस्ट. स्टे ब्लेस्ड.